ओटीटी एग्जाम पेपर वन पे जो मैंने प्रिपेयर होती भिडियोटी रही है। ये भिडियो आम ईवीएस किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा भिडियो जब भल लगे भिडियो गोटे गोटे लाइक कर सेयार कर सब्सक्राइब कर सो चलां स्टार्ट करवा किसी क्वेश्चन। सो आम फास्ट क्वेश्चन कहला भारतर शिल्प विषय में शिक्षादान करने निम्ते शिक्षक श्रेणीगृह एक शिल्प मानचित्र प्रदर्शन कले मानचित्रटी के प्रकार ऑप्शन ए कहला भू संस्थानीय बी कहला प्राकृतिक सी कहला तथ्यभित्तिक डी कहला प्रशासनिक। ताले भारतर शिल्प विषय में शिक्षादान करने निम्ते शिक्षक श्रेणीगृह एक शिल्प मानचित्र जो देखाइले तथ्यभित्तिक मानचित्र ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रकल्प पद्धतिर केउ सोपान भविष्य प्रकल्प प्रस्तुति पाई प्रेरणा जगह थाए ऑप्शन ए कला मूल्यायन बी कला कार्यकारिता सी कला विवरणी लिपिबद्ध ऑप्शन डी कला योजना प्रस्तुति। ताले प्रकल्प पद्धतिर विवरणी लिपिबद्ध जो सोपान रहिला सेतिर भविष्य प्रकल्प प्रस्तुति पाई प्रेरणा जगह थाए ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे मानचित्र जे दुईटी स्थान मध्य दूरता जदि 2 सेंटीमीटर होला से मानचित्रर मा ओ भ 1:15 हेले उक्त स्थान दुईटर भूमि उपरे प्रकृत दूरता केते ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर 30.0 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया स्थानीय स्वायत्त शासन केउ मुख्य तत्व उपर आधारित ऑप्शन ए कला क्षमतार विकेंद्रीकरण बी कला क्षमतार केन्द्रीकरण सी कला आर्थिक अभिवृद्धि डी कला शांति श्रृंखला रक्षा। ताले स्थानीय स्वायत्त शासन केउ मुख्य तत्व उपर आधारित ना ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर क्षमतार विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सांविधानिक नियम अनुसार राष्ट्रपति काठारू न्यायिक आईनगत मत लोड़ी था ऑप्शन ए कहला उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति बी कहला प्रधानमंत्री सी कहला अटर्निंग जनरल डी कहला सॉलिसिटर जनरल। ताले आमर आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति। ताले सांविधानिक नियम अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति न्यायिक आईनगत मत लोड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया भूल जोड़ी कौटा बाछ ताले आंध्र प्रदेश गोदावरी त्रिकोणभूमि ठीक हम ओडिशा महानदी त्रिकोणभूमि ठीक हम तमिलनाडु कावेरी त्रिकोणभूमि ठीक हम कि केरल कृष्णा त्रिकोणभूमि यहाँ आम भूल अच्छी तेल भूल जोड़ी बाछ कही ऑप्शन बी हो राइट आंसर। भारतर ग्रीष्मकालीन मौसुमी वायु प्रभाव निरक्ष वृत्त अतिक्रम करने पूर्व क्यों दिग्वर बही थाए ऑप्शन ए कहला दक्षिण पूर्व बी कहला दक्षिण पश्चिम सी कहला दक्षिण डी कहला पश्चिम। तेलर आंसर हो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया केउंटी मूर्तिका संरक्षण परिपंथी ऑप्शन ए कला सोपान कृषि बी कला स्थानांतरित कृषि सी कला वनीकरण डी कला पुनर्वनीकरण। ताले मूर्तिका संरक्षण परिपंथी होची स्थानांतरित कृषि ऑप्शन बी हे जीव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला केउं जल विद्युत योजना कर्णाटक रे कावेरी नदी उपरे कार्यकारी होची ऑप्शन ए कला मेट्टूर बी कला शिवसमुद्रम सी कला श्रीशैलम डी कला तुंगभद्रा। ताले आमर कावेरी नदी उपरे कार्यकारी होजु जल विद्युत योजना सेटा होजु शिवसमुद्रम ऑप्शन बी हे जीव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ख स्तंभ थी प्रत्येक स्थान सह ख स्तंभ प्रत्येक स्थान को जोड़ी ठीक कर ताले आमर आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हे जीव राइट आंसर जोटा कि आमर ए हूँ आई भी जीव ताले रांची हे जीव आमर वैद्युतिक गुरु सरंजाम आमर बी हे जीव विशाखापाटना जोटा हो जहाज निर्माण आउ सी अभड़ी आमर सेटा गोटे आमर टैंक निर्माण आउ चित्तरंजन जोटा डी देला सेटा आमर हो रेल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन देला नेक्स्ट क्वेश्चन कही 1857 भारतर महान विप्लवरे ओडिशारु केउ सामग्री अंश केउ संग्रामी अंशग्रहण करथिले ताला 1857 ए जो विप्लव हैला एथिरे ओडिशारु केउ संग्रामी अंशग्रहण करथिले ऑप्शन ए कला बक्सी जगबंधु बी कला कुंवर सिंह सी कला सुरेन्द्र साय डी कला लक्ष्मण नायक। ताला 1857 युद्ध रे बा विप्लव रे आमर सुरेन्द्र साय जोग देथिले ऑप्शन सी हे जीव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया प्रथम विश्वयुद्ध परे इंग्रेज सरकार केउ भारतीय को काइजर ई हिंद उपाधि भूषित करथिले ऑप्शन ए कला महात्मा गांधी बी कला जवाहरलाल नेहरू सी कला सर्दार वल्लभ भाई पटेल डी कला मोहम्मद अली जिन्ना। ताला आमर आंसर हो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया केउं आईन ने प्रादेशिक स्वतंत्र पई व्यवस्था थिला ऑप्शन ए कहला काउंसिल आक्ट 1892 ऑप्शन बी कहला भारत शासन आईन 1905 ऑप्शन सी कहला भारत शासन आईन 1935 ऑप्शन डी कहला काउंसिल आक्ट 1909। ताले हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी भारत शासन आईन 1935। ताले भारत शासन आईन 1935 प्रादेशिक स्वतंत्र व्यवस्था थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया
नेक्स्ट क्वेश्चन कही कलापटा कार्य सहित तो क्यों पद्धति ठीक नुहे ऑप्शन ए कहला शिक्षक प्रांजक बड़ अक्षर लिखे प्रांजल बड़ अक्षर लिखे बी कहला धाड़ी गुड़िक समान व्यवधान रखिए सी कहला लिखा संगे संगे न पढ़ी लिभाई देते ऑप्शन डी कहला लिखा समय उच्च स्वर पढ़े तेल के पद्धति ठीक नुहे ना ऑप्शन सी हम राइट आंसर लिखा संगे संगे न पढ़ी लिभाई देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया इतिहास अध्यापन उपकथार उपयोग अति सवधान सह कराए कहीं ऑप्शन ए कहला ए सत्यतार परिमाण अत्यंत कम थाए बी कहला यह मध्यम प्रकृत घटना उपस्थापन कराए सी कहला यह पचर ऐतिहासिक सत्य रही थाए डी कहला यह सत्य आधारित इतिहास अध्यापन उपकथार उपयोग अति सवधान सह कहीं कराए ना ए सत्यतार परिमाण अत्यंत कम रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया केउंटी सदिश राशि नुहे ताले परिवेग सदिश राशि संवेग सदिश राशि तोरण सदिश राशि किंतु बेगटा आमर सदिश राशि नुहे ताले ऑप्शन डी हेइजिव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिया पदार्थर केउ गुण यार अवस्था उपरे पदार्थर केउ गुण यार अवस्था उपरे निर्भर करे नाही ऑप्शन ए कहला आयतन बी कहला सांद्रता सी कहला वस्तुत्व डी कहला आकृति ताले पदार्थर वस्तुत्व यार अवस्था उपरे निर्भर करे ना ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला नेक्स्ट क्वेश्चन चार तीन टा पॉइंट देला गोटे पॉइंट देला प्लास्टिक मानव समाज पर एक बरदान अटे ऑप्शन बी कहला प्लास्टिक मानव समाज पर एक अभिशाप अटे ऑप्शन सी कहला अदरकारी प्लास्टिक सामग्री गुड़िक पोड़ा परिवर्तन माटी पोतिदेवा परिवेश अनुकूल पदक्षेप अटे ताले आ भितर कोटा ठीक देला ताले ऑप्शन ए ओ बी ठीक और सी भूल ताले ऑप्शन ए आमर ठीक हम जे कि प्लास्टिक मानव समाज पर एक बरदान अटे ऑप्शन बी हो प्लास्टिक मानव समाज में एक अभिशाप अटे ताले ऑप्शन सी ताले अदरकारी प्लास्टिक सामग्री पोड़ा परिवर्तन माटी पोड़ यहाँ भूल अच्छी ताले ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला आ गोटे पॉइंट देला आम प्रश्वास वायु में स्वल्प परिमाण ओजन थाए बी रे देला वायु में थिबा नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़िक अम्ल वर्षार कारण अटे ऑप्शन सी रे देला वायु में थिबा सल्फर ऑक्साइड गुड़िक हिमोग्लोबिन क्षति करथान ताला भितर कोटा ठीक हबो ना ऑप्शन बी जो राइट आंसर बी केवल ठीक हबो आ सी आ ए भूल बी ठीक हबो कोन ना वायु में थिबा नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़िक अम्ल वर्षार कारण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला के मशा द्वारा मेलेरिया व्यापी थाए ताला एटा बहुत इजी क्वेश्चन माई एनोफिलिस मशा द्वारा मेलेरिया होइथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम शरीर के अंगे यूरिया तैयारी हुए ऑप्शन कहला वृक बी जकृत सी नेफ्रन डी अग्नाशय ताले यूरिया तैयारी हुए कौटी ना जकृत ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला केउटी मानव शरीर में आयन संतुलन रक्षा करथाए ऑप्शन ए कहला श्वेतसार बी कहला स्नेहसार सी कहला पुष्टिसार डी कहला धातुसार ताले ऑप्शन डी हो राइट आंसर धातुसार ताले धातुसार मानव शरीर में आयन संतुलन रक्षा करथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्यों रोगर प्रतिषेधक टीका इंजेक्शन रूपे दिया जाए ना ऑप्शन ए कहला लहराकाश बी कहला पोलियो सी कहला टिटानस डी कहला डिप्थेरिया ताले पोलियो रोगर प्रतिषेधक टीका इंजेक्शन रूपे दिया जाए ना ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया केउटी उपग्रह नुहे ताले केउटीर उपग्रह ना सॉरी केउटीर उपग्रह ना ताले मंगल बुध शनि बृहस्पति ताले बुध ग्रहर उपग्रह ना ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया परिवेश अध्ययन पई निम्नोक्त मध्यरु केउं विषय वस्तु थीम भित्तिक होई परिवो ऑप्शन ए कहला ओजन गर्त बी कहला अम्ल वृष्टि सी कहला वायु प्रदूषण डी कहला उपरोक्त समस्त ताले ऑप्शन सी हो राइट आंसर वायु प्रदूषण ताले परिवेश अध्ययन पई वायु प्रदूषण आमर थीम भित्तिक होई परिवो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया परिवेश संपर्कित प्रत्यक्ष अनुभूति निम्नोक्त केउं पद्धति रे संभवपर ऑप्शन ए कहला सर्वेक्षण बी कहला क्षेत्र परिवहन सी कहला प्रकल्प डी कहला उपयुक्त समाधान ताले परिवेश संपर्कित प्रत्यक्ष अनुभूति केउ पद्धति रे संभव पर ना सर्वेक्षण हो पारिबो क्षेत्र परिवहन हो पारिबो प्रकल्प हो ताले सब गुड़ ठीक हम ऑप्शन डी हो जीव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देला ए रे देला ऑप्शन ए रे देला प्राकृतिक परिवेश संबंधी विषय वस्तु पढ़ाइबा बेले सामाजिक परिवेश सहित सहसंबंध रक्षा करी पढ़ाइबा उचित बी रे देला सामाजिक परिवेश संबंधी विषय वस्तु पढ़ाइबा बेले प्राकृतिक परिवेश सह सहसंबंध रक्षा करी पढ़ाइबा उचित ऑप्शन ताले आ भितर कोटा ठीक हबो ना ऑप्शन सी इज राइट आंसर उभय ए ओ बी रो आवश्यकता रही ताले बी टा आमर ठीक हबो ए मध्ये ठीक हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला विज्ञान शिक्षादान शिक्षण कार्यक्रम रे केउटी आवश्यक होइ नथाय ताले विज्ञान शिक्षादान शिक्षण कार्यक्रम रे आमर निदान भित्तिक मूल्यायन दरकार गठनक्ष मूल्यायन दरकार सामग्री मूल्यायन दरकार किंतु व्यवस्थान मूल्यायन आमर दरकार नहीं ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला
ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର କ୍ରମାୟନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଦେଲା ତା'ର ସୋପାନ କ'ଣ ଦେଲା? ଅପସନ୍ ଏ କଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି କଲା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି କଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।